तो ही मेरी जगह चलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है पावर पीआर के और एक बच्चों दी वीडियो के अंदर। तो आज हम जेम्स स्टैन के हगे हुए मुते हुए मिस के ऊपर रोस्ट करने वाले जो मीम्स मैंने अभी अभी हग के रिसेंटली निकाले। खैर मेरी टट्टी भी सही से निकल नहीं पाती, इतने बड़े बड़े मीम्स कहां से निकाले भाई। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? देखते फिर एमसी स्टैन हगे या मुते, लेकिन उनके ऊपर हमें वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो रिसेंटली अभी ट्रेंड पे चले और उनके साथ ट्रेंड पे वीडियो बनाएंगे। समझ रहे हो, रिलीज आ सकते हैं जो बनाना तो पड़ेगा ही। अब कहां के ज्ञानी बाबा। तो फिर बिना किसी के गांड खुजाती बस स्टार्ट कर दे। भाई का ऐसा फैशन देख के मुझे एमसी स्टैंड की तो याद तो नहीं, लेकिन अक्षय कुमार की जरूर याद आ रही है। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को यार ये लॉकेट बना के कौन देता है। लॉकेट कम पॉकेट ज्यादा दिखता है, मतलब कि उसके अंदर सब कुछ समा जाएगा इतना बड़ा सा लॉकेट में। बड़ा लॉकेट बनाने का रीजन एमसी स्टैंड ही है क्योंकि एमसी स्टैंड भी इतना बड़ा सा लगा के घूमता है ना भाई, 80 लाख का 86 लाख का, फिर 50 रुपए का होगा शायद लगता है। या बंद करो सालों ये सॉन्ग। कोई रोज रोज दाल चावल खा के बोर नहीं होते, लेकिन इन लोगों की बस्ती हस्ती मस्ती सस्ती यही सुन के बोर हो रही है। भाई तुम लोगों को भी काम धंधा है कि नहीं? नहीं होगा तो हमारे घर के वही झाड़ू लगाने का काम है, वो आके कर लेना। मस्त प्लान। या ये बस्ती हस्ती करने से अच्छा कि पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देते आईएएस बनो और दे। लेकिन नहीं, इन लोगों को बस्ती हस्ती निकाली है। फिर कभी बार अपनी चड्डी की भी हस्ती निकालो, फिर मैं भी नहीं निकालने वाला भाई, उसकी हस्ती कौन देखना चाहेगा। या इन लोगों को साला ऐसा गेटअप कहाँ से मिल जाता है? मुझे तो एक चड्डी भी नसीब नहीं होती, लेकिन मैं फटी पुरानी लगा लेता हूँ भाई। सिचुएशन ही वैसी है, देख रहे हो? इसकी करामत बिचारी का बम खुजा खुजा के ऐसी हालत हो गई है। नहीं नहीं अभी और सुनिए, मैं ऐसा रोज खुजाता हूँ लेकिन मेरा ऐसा हाल कभी भी नहीं होता। फिर आपका होता है क्या ऐसा खुजाने के बाद ऐसा? अरे बहन के चलो अपनी बस्ती हस्ती निकालने में उन छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, बेचारे का भविष्य तो बर्बाद मत करो भाई। मुंह की बात छीन ली। हेलो तुम लोग कुछ तो शर्म करो, अपनी गांड खुजाने में उन छोटे बच्चों को ही इन्वॉल्व करोगे क्या? तुम्हारी यहाँ पे विचार होंगे तो कर देना, उससे बहुत मजा भी आता है। हेलो तुम्हारी बस्ती में आग लग जाए, तुम्हारे पीछे से जो मम्मी जी आ रहे हैं ना वो तुम्हारे पिछवाड़े में जरूर आग लगा देगी। अरे देवा मैं तुम्हारी मम्मी जी बहुत दर्द है मैं तुम्हारी। फिर बस्ती तो हस्ती दूर, हगना भी मुश्किल हो जाएगा बाद में, फिर उंगली का सहारा लेके करना पड़ेगा भाई। लिखने वाले ने 4-5 पौवे गांजा पी रखा होगा, नहीं की जगह नी लिख दिया भाई, उसके जगह गांड लिख देता तो वो अच्छा हो जाता, लोगों को कम से कम समझ तो आता। मुझे समझ में आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस्ती का हस्ती। नहीं नहीं आज तुम सभी लोग चमत्कार का मूड पी के आए हो क्या? लोग बोल रहे हैं बस्ती की हस्ती मारो की सस्ती। खैर मारना मेरा मत, अभी बार अपनी भी दिखाया करो। मत दिखाना भाई नहीं तो लोग कोमा में चले जाएंगे। मैं कहा हूँ लोगों की बस्ती की हस्ती के चक्कर में मेरी चड्डी का भी गुम हो गई। फिर मेरे पास वो एक ही चड्डी थी भाई, अब मैं क्या लगाऊंगा? मेरे को लंगोड़ी से काम चलाना पड़ेगा यार। वावा वावा मेरे को तो सब है लेकिन वो भाई अवेलेबल नहीं है। फिर आपके घर में होगा तो भेज देना मेरे को, ये तो नहीं है बिना चड्डी के सर्वाइव करना पड़ेगा मुझे। मस्त प्लान है। या बोल ही रहा था कि बच्चों के ऊपर इसका असर जरूर होगा, फिर अब तो हो गया। भाई का गुस्सा अंडे से निकले चिलुबजी की तरह दिख रहा है, जो कि लोगों के नहीं है भाई, हमारी तरह भी गुर के दिख रहा है। उसे पता है कि रोहित झिंझुर की तरह ये भी ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखेगा तो वो भी फेमस हो जाएगा। लगे रहो टाइम किसी को लेके जाता है, बाद में उसके जो रिएक्शन होते हैं वो भाई के ऊपर बराबर से दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई, वो बताने वाले बात नहीं है। तो हमें ही बताइए आप कहाँ रहते हैं? समझ रहा है कुछ आपको? मैं बोल ही रहा था कि हिंदी की जगह चड्डी नाम सही रहेगा। लोग हैं हमारे पास। मैं अपने सेंसर वाले आंखों से 40 सालों से यही स्कैन कर रहा था, फिर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। 40 साल भाई, ये तो इसका जन्म भी नहीं हुआ था। घंटा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, चड्डी लिखा है या हिंदी, कंफ्यूज हो रहा है भाई क्या लिखा है। तो देखो इंसान जब ज्यादा पौवा पी लेता है ना तो ऐसे रिएक्शन होते है। भाई के रोज रोज करने की आदत से ऐसा हाल हो गया। फिर आप जो सोच रहे हो ना एकदम ठीक सोच रहे हो। जरा रुको रुको रुको, तुमने भी अपने हाथों के नीचे की बांस ली है क्या? ली भी होगी तो किसी को बताना मत। शानदार विचार रखते हैं। ऐसा हो जाता है हाल, कभी कभी मैं भी ले लेता हूँ। चल झूठा। एमसी स्टैंड को आपने बाहर चड्डी बना धोती ना जाने क्या क्या पे देखा होगा, लेकिन घर के अंदर कैसे रहता है? चलो झुटके से देखते। मम्मी 30 रुपए दे दो यार। पीछे मत आओ। मत आओ मतलब तुम्हारा घर है, मतलब तुम्हारा अकेले का घर है। पीछे मत आओ। पीछे मत आओ, तुम क्या हीरोइन लग के गई क्या? तुम्हारे पीछे हूँ मैं। देखा आपने, इंसान की जब ऊपर से चीजें अच्छी अच्छी लगती है तो अंदर की चीज भी काफी खराब होती है। साल मैं घर की बात कर रहा था, आप कुछ भी मत सोचो, अभी जो सोच रहे हो वो भी ठीक है।
150 रुपया देगा। 80,000 के शूज है, 80,000 एमसी स्टैन के जूते अक्षय कुमार बेचने गया है। हेरा फेरी वाले जूते यार, बेच भी कितने को रहा है? 80,000 पैसों के अंदर मुझे 2 पुस्तों के चड्डे आ जाएंगे भाई। चड्डी ले लो चड्डी। अला लोग भी ना नपुसक को एडिटिंग से भाई करने पर मजबूर कर देते है। आप क्या सोच रहे हो, प्यार की बात कर रहा हूँ, प्यार की। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। साले तुम लोग रोज कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो। सोचते रहो भाई, अच्छे अच्छे हॉट हॉट आने लगते हैं। जो या कुछ भी करो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वीडियो का लाइक बटन है उसे दबा देना। 80,000 के शूज है, 80,000 80,000 के जूते में ऐसा क्या है कि घर चला जाएगा भाई? 80,000 में किसी का कोई घर नहीं जाता, सिर्फ इंसान 2 दिन तक घर से बाहर रह सकता है। और बात कर रहा 80,000 के जूते, बीड़ी बीड़ी हो गए क्या बे तू? उसके अंदर सोने की घट्टी भरी हुई क्या, जो कि बोल रहा है 80,000 80,000 80,000। भाई 80,000 का जूते सिर्फ बताने के लिए, लेकिन 200 की चड्डी तो पहन ही रहा है। इसका तो कभी बताते मैंने देखा ही नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ए, चुप कर रहे शेमड़िया, येड़ा भेड़ा झालाएगा रे तू। बढ़िया था गुरु। तेरे बाप का नौकरी के ऐसे अच्छा, मेरा बाप बिग बॉस है उसका तो। रुको रुको साला, ये लड़की पागल है क्या? पिछली बार भी बोल रही थी कि बिग बॉस मेरा बाप है, बिग बॉस मेरा बाप है। सभी टीवी शो वाले तेरी माँ है क्या? यानी कि कुछ तमीज होती है, बिग बॉस एक बाप और सभी टीवी शो वाले माँ। भाई कैसे हैंडल किया होगा तेरे बाप ने यार? सही कह रहे हो सर आप। मुझे लगने लगता है कि कपिल शर्मा जैसा क्या होगा भाई, एक रूम के ऊपर सभी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बिग बॉस इसका बाप है तो भाई कौन सी कलर टीवी वाली इसकी माँ है? फिर आपको लग रहा होगा कोई होगी तो कमेंट कर देना। बाप है बिग बॉस, बिग बॉस और बिग बॉस और तेरी मॉम का ही हो गया क्या? एमसी भाई मजा आ गया, शिमली को तो पता चल गया इसकी माँ कौन सी है। कब से बोल रही थी बिग बॉस मेरा बाप है, बिग बॉस मेरा बाप है, तो भाई सलमान खान होगा। वो और बोलने दूसरी चीज सुनो, वो को बस्ती का हस्ती का भूत चढ़ा दिया और यहाँ पे आके हगने के मजे ले रहा है। बना है तो उसी आके मुझे नहीं बोला। कच्चा बादाम ब्रो। ये सही था ब्रो, मस्त था। फिर दुने से लोग भूल गए थे कि काचा पहचान जैसी कोई चीज आई थी क्या, अभी पता चल गया कि थी। मुझे घंटा नाचना भी नहीं आता और नाचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलने फिर से आ गए रे बाबा। देख रहे हो इसकी पोजीशन, ऐसे देखने के बाद मुझे लगता है कि ये जो है ना रोज खुले में ही जाता होगा। को देखने के बाद मेरा भी मन भाई खुले में जाने का हो रहा है। फिर मैं नहीं जाऊंगा आपके सामने भाई, अच्छा नहीं लगता। खुले में होता रहेगा, लेकिन आप में से कितने सारे लोगों को खुले में पसंद है कमेंट करो यार। फिर ऐसा करने का क्या ब्रो, फिर ऐसा करने का तू लोगों को ऐसा सीधा सीधा बताना कि ऐसा ऐसा करो बोल के। मैं क्या कर रहा हूँ गलत सही का, तू क्या बिग बॉस है क्या? ये फंस गया शिमला है क्या? वो कब से बोल रहे कि बिग बॉस मेरा बाप है, बिग बॉस मेरा बाप है, लेकिन तेरे कानों में मच्छर ने मूता है क्या? इसे ज्यादा कंफ्यूज मत कर, नहीं तो वो दूसरे टीवी शो वाले को बाप समझ लेगी। फिर तो बिग बॉस तो नहाने चला जाएगा। गलत सही का तू क्या बिग बॉस है क्या? शिमड़ी लड़की एड़ी बिड़ी हो गए क्या? एमसी की माँ बोल रही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। फिर हो भी सकती है एमसी को बोनविटा पिला पिला के बड़ा कर चुकी होगी, तभी उसका हाइट का हो गया भाई। रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे और सुबह शाम बोनविटा पियेंगे। इसकी ऐसी हालत देखो और इसकी ऐसी हालत देखो, लगता है कुछ मुझे तो लगता है कि एमसी इसका बाप होगा हाइट से। एंड बिग बॉस सोतेला बाप हो जाएगा। भाई मतलब कि कितने बाप बनाएगी ये लड़की। कर रहे यार तू, मजाक है क्या? सॉरी आगा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन कम से कम 20-30 तो बाप इसके होंगे भाई। कौन से टीवी शो वाले वो भी नहीं समझ में आ रहा। आंटी है तू, आंटी। वाह 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 वाह, माँ से डायरेक्ट आंटी। और एमसी तुझे आंटी का बहुत शौक है, तभी तभी तो भाई तूने डायरेक्ट आंटी का ही नाम लिया। तड़प ही ऐसी है ना अपने धक धक करने वाली। धड़कन मूवी तो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जरा देख लो। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएंगे। वाह वाह वाह, चप्पल का डायरेक्ट रेट 80,000। मेरे पास भी ऐसी चप्पल है, इसके 80,000 नहीं 50,000 मिल गए तो बहुत हो जाएंगे। 80,000 के शूज है, 80,000 के। इसके ऐसे बातों से लगता है कि इसके चड्डी की कीमत 80 लाख जरूर होगी, क्योंकि ये सभी से ज्यादा कष्ट रहती है ना इसकी वजह से। 80 लाख तो बनता है इसका प्राइस। एमसी का भी बताता नहीं उसकी रेट, मुझे तो लगता है वो 200 की चड्डी होगी। एडिटिंग से किसी को नल्ला भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपके 5G टावर को नहीं, क्योंकि वो सेफ्टी में रहता है इसलिए। एमसी कब से कुबड़ा बन गया, जो कि हफ्ते हफ्ते में रैप बनाने आ रहा है? ऐसा कोई रैप होता है हफ्ते वक्त भी? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे टट्टी निकालते समय भी दिखाओ ना यार, मस्त प्लान, ताकि लोगों को भी पता चलेगा कि कौन से एंगल की आती है। फैन छूट रहा ये इसको नहीं दिख रहा, लेकिन गांड धुए हाथ से भी इसको पास लेने की आदत है। मतलब साले कुछ तो शर्म करो बे तुम लोग भाई, अपने हाथ की बांस लेने से अच्छा है कि किसी कुतिया की बम की बांस लो।
क्या सेल सेल रगा रहा है? अरे सीधा सीधा बताना कि शॉर्ट 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 लोगों को समझ तो आए। और मैं तभी तो सोचूं इसके 5G टावर के ऊपर इतना बड़ा एयरटेल का सिम क्यों लगा है। ये फंस गया। अभी इसके जैसे कुछ काम नहीं करते ना, फिर करते ही होंगे। समझ रहा हूँ भाई मैं आपके वो चेहरे के हाव भाव समझ रहा हूँ मैं। समझ रहे हो तो कितना समझदार है, झटके में पकड़ लिया, अगर देख भी लेगा ना डायरेक्ट कोमा में चला जाएगा। मैं कहा हूँ भारत के अच्छे नागरिक होके जाओ वीडियो का लाइक बटन। एमसी स्टैन के मीम्स के ऊपर रोस्ट करते करते कब मेरा चिकन रोस्ट बन जाएगा ये मुझे पता ही नहीं। कौन है ये लोग? मेरा रोस्ट हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन आपका मैं रोस्ट कभी भी नहीं होने दूंगा। तो देरी किस बात की? अपनी गर्लफ्रेंड की राह देख रहे हो क्या? नहीं ना। अपनी बिया की राह देख रहे हो क्या? नहीं ना। आंटी की राह देख रहे हो? सालो वैसे भी तुम बहुत शाने हो, कहा जाओ नीचे काला वाला सब्सक्राइब बटन है उसके साथ प्यार करो, रोमांस करो, गुच्छी गुच्छी करो, हाथ मिला दो, सब्सक्राइब कर देना। पे मेरी तरफ ऐसा घूर घूर के मत देख, तुझे ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ सब्सक्राइब का जो बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे। अब मुझे एमसी स्टैंड की मारने जाना है। आप अभी भी सोच रहे हो अरे मुझे सिलाई मारने जाना है, उसकी चड्डी फट गई है, तो चलो जा रहा हूँ मैं। Gangnam Style. Gangnam Style.